हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आप सभी के लिए दिवाली धमाका आ रहा है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो UPTPSC की ओर से दिवाली धमाका पेट को आखिरकार शासन ने मंजूरी दे दी गई है। इसी माह के अंत से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह से कार्मिक विभाग ने पेट को मंजूरी दे दी है। होली से अटके हुए इस नई परीक्षा प्रणाली पे आखिरकार दीपावली पे शासन ने मंजूरी दी है। मार्च में इसकी परीक्षा कराने का विचार कर रहा है और इसके बाद 40,000 पदों पे भर्ती होगी। यानी कि जो UPTPSC की तैयारी कर रहे हैं, अब वो अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा विस्तृत डिटेल्स। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर्स में प्रमुखता से ये खबर छाई है, द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली को हरी झंडी। UPSSC मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। दिवाली बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर करेगा विचार। यहाँ पे 9 माह शासन से अटका था प्रस्ताव, युवा शुरू कर सकते हैं तैयारी। विभागों से मांगा प्रस्ताव, 35,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। तो चलिए हम विस्तार से खबर को देखते हैं। सरकारी नौकरी के इच्छित युवा अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि PET पेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्री व मेंस के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग जल्दी अपनी बैठक कर पेट आयोजन पर चर्चा कर निर्णय लेगा। पेट पास अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय प्रणाली प्री परीक्षा के जरिए भर्ती कराने संबंधी प्रस्ताव को शासन को मंजूरी के लिए भेजा था होली के समय में। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान कर दिया है। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में NRA से कराए जाने और मुख्य परीक्षा राज्यों को आयोजित कराए जाने की व्यवस्था की गई है। UP ने तुरंत इस व्यवस्था को शामिल करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया। इधर भर्तियां ना होने से युवाओं में काफ़ी नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमर उजाला ने आयोग के प्रस्ताव पर शासन के निर्णय में देरी व उसका असर लंबित भर्तियों पर पड़ने की प्रमुखता से उठाया था। NRA की व्यवस्था अमल में आने तक आयोग अपनी प्रणाली से भर्ती का आयोजन कर सकेगा। मुख्यमंत्री मंजूरी के बाद शासन का कार्मिक विभाग इससे संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग प्री परीक्षा का आयोजन पर चर्चा करने के लिए दिवाली के बाद बैठक की तैयारी कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव या बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। इनके कार्यक्रम को ध्यान में रखकर मार्च अप्रैल में प्री परीक्षा कराने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक अलग अलग भर्ती का अलग अलग विज्ञापन आया था, लेकिन अब यहाँ पर विज्ञापन का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। जैसे एक ही ग्रेड पे की भर्तियां हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 1900 ग्रेड पे की भर्ती है जिसमें लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गए, इस प्रकार के ढेर सारे पद यानी कि करीब 15,000 से 20,000 समेकित करके एक साथ भर्ती करा ली जाएगी और इसमें परीक्षा द्वितीय स्तरीय की परीक्षा कराने में मुश्किल से 1 महीने का समय लगेगा। यानी कि मार्च में परीक्षा होगी और अप्रैल मई तक आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जून में सारे विज्ञापन एक साथ निकलेंगे। तो आपको लगभग अगले साल दिवाली तक ही अब नई विभागों में ज्वाइनिंग मिल पाएगी। वहीं पे करीब प्रदेश में 40,000 पद खाली हैं। आयोग की ओर से विभागों की भर्ती प्रस्ताव नए आरक्षण प्रावधानों के हिसाब से तैयार करने के लिए लौटाए जाने के वक्त करीब 550 भर्ती प्रस्तावों पर लंबित थे। इन प्रस्तावों में करीब 35,000 से अधिक रिक्त पदों का ब्यौरा शामिल था। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नए सिरे से प्रस्ताव आने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 40,000 तक पहुंच सकती है। तो कुल मिला के 40,000 पदों पर भर्ती होगी। UPTPSC में जहां 1 साल से सूना था, कोई भर्ती नहीं आई है, अब अगले साल होली के बाद भर्तियों की बौछार लगने की पूरी पूरी उम्मीद है।
इसी उम्मीद तथा विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।